साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम भले ही टेस्ट सीरीज जीतने में नाकाम रही हो, लेकिन विराट कोहली के लिए टूर भी शानदार रहा। सेंचुरियन टेस्ट में उन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए और इस दौरान किंग कोहली ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। चेस मास्टर कोहली का वो कीर्तिमान आपको याद है या नहीं? अगर नहीं याद है तो चलिए मैं बताती हूँ। सेंचुरियन टेस्ट के दौरान विराट कोहली ने कुमार संगाकारा का रिकॉर्ड तोड़ा है और एक शानदार कीर्तिमान अपने नाम किया है। विराट दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं। वो एक कैलेंडर ईयर में 7 बार 2000 या उससे ज्यादा रन बना चुके हैं और इससे पहले कुमार संगाकारा ने 6 बार एक कैलेंडर ईयर में 2000 या उससे ज्यादा रन बनाए थे। अब किंग कोहली केपटाउन टेस्ट में एक और रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। इस बार उनके पास मौका है पाकिस्तान के एक्स कैप्टन इंजमाम उल हक और जावेद मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ने का। क्या है पाकिस्तान के इन दो दिग्गजों का टेस्ट रिकॉर्ड जिसे हमारे विराट कोहली तोड़ सकते हैं? ये जानने के लिए ये वीडियो देखिए। हाय एवरीवन, आई एम तान्या एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स वाला। देखिए, क्रिकेट का चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, अब हम ये सब जानते हैं कि विराट कोहली को आदत हो गई है मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा। आपने देखा ही होगा कि वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा वनडे शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके बाद साउथ अफ्रीका टूर पर कुमार संगाकारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब केप टाउन टेस्ट में उनकी नजर होगी इंजमाम उल हक और जावेद मियादाद के रिकॉर्ड पर। विराट कोहली मौजूदा समय में जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए इन दोनों पाकिस्तानी दिग्गजों का रिकॉर्ड बचना मुश्किल है। विराट जब हाथ में बैट थाम लेते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ना और नए कीर्तिमान स्थापित करना, ऐसा लगता है कि विराट के लिए ओके, ये तो मेरा शौक है, आई विल डू इट अगेन टुडे। तो चलिए उस बात पर लौट कर आते हैं कि विराट कोहली कौन सा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। देखिए, विराट कोहली के पास दूसरे टेस्ट में इंजमाम उल हक और जावेद मियादाद से आगे निकलने का मौका होगा। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने अब तक 189 टेस्ट इनिंग्स खेली हैं, 8790 रन बनाए हैं। इंजमाम और जावेद मियादाद ने अपने टेस्ट करियर में 8830 और 8832 रन बनाए हैं। ऐसे में इंजमाम उल हक के टेस्ट रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के लिए विराट को 41 रन बनाने होंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अगर विराट 41 रन बना लेंगे तो इंजमाम उल हक से आगे निकल जाएंगे। वही अगर केपटाउन टेस्ट के दौरान विराट ओवरऑल 43 रन बना लेते हैं तो जावेद मियादाद भी पीछे छूट जाएंगे। विराट को दो इनिंग्स में बैटिंग करने का मौका मिलेगा। ऐसे में किंग कोहली से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो 43 रन बनाकर इन दोनों दिग्गजों को पीछे छोड़ देंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में विराट ने पहली पारी में 38 बनाए, दूसरी में 76 रन बनाए। वैसे आखिरी टेस्ट विराट और टीम इंडिया के लिए अहम है। भारत को अगर सीरीज बराबर करनी है तो उसे दूसरे टेस्ट में हर हाल में जीतना होगा। ड्रॉ होने पर साउथ अफ्रीका 1-0 से टेस्ट सीरीज जीत जाएगा। ऐसे में रोहित शर्मा एंड कंपनी हर हाल में दूसरा टेस्ट जीतना चाहेगी। अब दूसरे और आखिरी टेस्ट में विराट कोहली पर काफी दारोमदार होगा। अगर केपटाउन टेस्ट में बड़ी इनिंग्स खेलते हैं तो फिर भारत के लिए जीत की राह आसान हो जाएगी। वैसे भी भाई, विराट कोहली का टेस्ट रिकॉर्ड जो है वो साउथ अफ्रीका में बहुत बढ़िया है। वो साउथ अफ्रीका की धरती पर अब तक 8 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने 833 रन बनाए हैं। 2 शतक भी लगा चुके हैं साउथ अफ्रीका में। उनका साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 153 रन का। दक्षिण अफ्रीका में विराट का टेस्ट औसत जो है एवरेज वो 52 से ज्यादा का है। इन आंकड़ों को देखा जाए तो विराट मौजूदा समय में साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया के सबसे सफल बैटर है। वहीं किंग कोहली के ओवरऑल टेस्ट करियर को अगर देखें तो 13 साल के टेस्ट करियर में अब तक 189 पारियों में लगभग 50 के एवरेज से 8790 रन बना चुके हैं, जिसमें 254 उनका नाबाद नॉट आउट बेस्ट स्कोर रहा है। टेस्ट में 29 शतक लगाए, 30 अर्धशतक लगाए। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट है इसमें जीत भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, विराट के पास लय भी है, तो ये उम्मीद है कि कुछ ना कुछ स्पेशल ही इज गोइंग टू डू अगेन और सारे फैंस को एंटरटेन करने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो सबके साथ शेयर करें। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं और आपके लिए स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट लेकर आते रहेंगे।